हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा वर्मा विद स्टडी। फ्रेंड, जैसा आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ नाउन। फ्रेंड, जब भी हम क्या होता है कि जब भी हम सिंगुलर और प्लूरल करते हैं, या हमारे छोटे बच्चे सिंगुलर प्लूरल करते हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में ये कन्फ्यूज़न ही दूर करेंगे। बच्चों को आता है पर वो आते हुए भी गलत कर देते हैं। तो आइए देखिए, एक बार अगर आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेंगे तो फिर ये आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और आप दूसरों का भी कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, टॉपिक है नाउन नंबर ऑफ नाउन के वचन। तो जो नंबर हैं वो इंग्लिश में टू टाइप के होते हैं और हिंदी में भी टू टाइप के ही होते हैं। इंग्लिश में होता है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर का मींस होता है एक वचन और प्लूरल का मींस होता है हमारा बहुवचन। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, देखिए। बैट, बैट का है बैट्स। कार, कार का है कार्स। बंच, बंच का है बंचेस। काइट का प्लूरल है काइट्स। ग्लास का है ग्लासेस। रूम का है रूम्स। पेन का है पेन्स। तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि सब में ही एस ऐड कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ एस ऐड है, यहाँ भी एस ऐड है, यहाँ ई एस ऐड है, यहाँ पर एस ऐड है, और यहाँ पर भी ई एस ऐड है, और यहाँ पर एस ऐड है। तो हमको ये क्लियर करना है कि कहाँ हमको एस लगाना है और कहाँ हमको ई एस लगाना है। तो आइए इसको रीड करते हैं एक बार। सी एच एस डबल एस जेड एस एच और एक्स के साथ में हमेशा ई एस ऐड करने पर प्लूरल बनता है। अगर आपका कोई भी वर्ड सी एच एस डबल एस जेड एस एच या एक्स पर फिनिश हो रहा है, तो उसके लास्ट में हमको ई एस ऐड करके ही उसका प्लूरल बनाना है। हमको ये बात बच्चों को क्लियर करानी है कि जो भी वर्ड्स हमारा सी एच एस डबल एस जेड एस एच और एक्स पर फिनिश होगा, उसमें हमको ई एस ऐड कर देना है। पर कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो सी एच पर तो ख़त्म होते हैं, परंतु जो उसकी आवाज़ होती है, उच्चारण होता है, वो हमारा क निकलता है, तब हमको वहाँ पर ई एस ऐड नहीं करना है, तब हमको वहाँ पर एस ऐड करना है। जैसे देखिए, जैसे ये लिखा है हमारा स्टोमक। तो देखिए, ये अब बच्चों को अगर इस तरीके से बताएंगे कि ये सी एच पर ख़त्म हो रहा है, पर इसको अगर हम रीड करेंगे तो क्या रीड करेंगे? स्टोमक। तो ये जो सी एच है, इसको यहाँ पर हम क रीड कर रहे हैं, तो इसलिए इसके पीछे सिर्फ हमको एस ऐड करना है, सिर्फ एस। अब यहाँ देखिए वॉच, तो यहाँ भी ये देखिए, ये जैसे ये देखिए सी एच पर एंड हो रहा है, तो इसके पीछे ई एस ऐड करना है। ये एस पर, डबल एस पर एंड हो रही है, तो यहाँ पर ई एस ऐड करना है। ये डबल जेड पर हो रही है फिनिश, तो यहाँ पर भी ई एस ऐड करना है। अब ये ग्लास, ग्लास भी डबल एस पर फिनिश हो रही है, तो यहाँ भी पीछे ई एस ऐड करेंगे, तब प्लूरल बनेगा ग्लासेस। ये है फ्लैश, तो ये भी एस एच पर फिनिश हो रही है, तो इसमें भी पीछे ई एस ऐड करना है और फिर बन जाएगा फ्लैशेस। बॉक्स, बॉक्स किस बैग, बॉक्स जो है ये एक्स पर फिनिश हो रहा है, तो इसमें भी ई एस ऐड कर दिया लास्ट में, तो बन जाएगा बॉक्सेस। तो और इधर ये गैस, गैस में भी एस पर फिनिश हो रही है और पीछे हमने ई एस ऐड किया है, तो बन गया ग्लासेस। रूल नंबर टू, वे नाउन जो वाई पर ख़त्म होते हैं लेकिन वाई से पहले वॉवल आ जाए, तो नाउन के पीछे एस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। अगर देखिए, कोई भी स्पेलिंग हमारी, कोई भी हमारा वर्ड है, वो वाई पर ख़त्म हो रहा है और अगर वाई से पहले वॉवल आ रहा है, पहले बच्चों को वॉवल का ज्ञान होना ज़रूरी है, वॉवल कितने होते हैं। अगर वाई से पहले वॉवल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है हमको, बस पीछे एस ऐड कर देना है। जैसा आप देख पा रहे हैं, बॉय की स्पेलिंग लिखी हुई है, बॉय की स्पेलिंग है बॉय, तो बॉय का बॉयज़ हो जाएगा, एस लग जाएगा क्योंकि वाई से पहले वॉवल आ गया है। जैसे टॉय, टॉय से पहले भी ये ओ वॉवल है, तो टॉयज़ हो जाएगा। यहाँ मंकी, मंकी है, तो मंकी में बाई से पहले यहाँ वॉवल आ गया, तो इसलिए हमने इसमें एस ऐड कर दिया। तो ये हम ये सिंगुलर प्लूरल हम फोर्थ और फिफ्थ क्लास के बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट और सेकंड के बच्चों को सिखा रहे हैं, तो आप उनको बस यही वाला, ये वाला ही सिखाना है उनको, ये वाला
सी एच एस डबल एस जेड एस एच और एक्स, ये फर्स्ट सेकंड के बच्चों को बस इतना ही हमको कराना है। अगर हम ये वाले भी कराएंगे वाई वाले तो बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए रूल नंबर 3, वे नाउन जिनके पीछे वाई होता है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई हटाकर आई ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि अगर वाई से पहले वॉवल आ जाएगा तो हमको क्या करना है, एस लगा देना है बस। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ गया तब क्या करना है, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो हमको वाई को रिमूव कर देना है और आई ई एस लगा देना है। जैसे है हमारा एफ एल वाई फ्लाई, तो फ्लाई का हो जाएगा फ्लाइज, वाई को हमने हटा दिया और आई ई एस को लगा दिया तो फ्लाइज। ऐसे ही है स्काई, स्काई में वाई को हटाएंगे और आई ई एस लगा देंगे तो स्काइज। फिर है फ्राई, फ्राई में भी हम वाई को हटा देंगे और आई ई एस को लगा देंगे फ्राइज। नेक्स्ट है एनिमी, एनिमी एनिमी में देखिए वाई को हटा देंगे और आई ई एस लगा देंगे एनिमीज, तो क्या हो जाएगा एनिमीज। आई ई एस लगा दिया हमने क्योंकि वाई से पहले एम हमारा क्या था यहाँ पर कॉन्सोनेंट, यहाँ भी हमारा कॉन्सोनेंट था, यहाँ भी वाई से पहले कॉन्सोनेंट है और यहाँ भी वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। अब लास्ट है लाइब्रेरी, तो ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप देखिए और बच्चों को समझाइए। तो लाइब्रेरी, तो वाई वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ गया तो क्या हो गया आई ई एस लाइब्रेरीज। फोर्थ वाला रूल है एफ वाला, वे नाउन जिनके पीछे एफ या ई एफ एफ ई होता है उसमें एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगा देंगे। बच्चों को समझाना है कि जो नाउन्स हमारे एफ या एफ ई पर फिनिश होते हैं तो उसके पीछे हमको क्या जोड़ना है एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस। देखिए एग्जाम्पल है, यहाँ लिखा है लाइफ एल आई एफ ई, तो ये एफ ई पर फिनिश हो रहा है तो क्या लगाएंगे वी ई एस ली, ठीक है। नाइफ, तो यहाँ भी क्या हो रहा है एफ ई है, तो यहाँ भी देखिए हमने एफ ई को हटा दिया और क्या ऐड कर दिया वी ई एस नाइफ्स, ठीक है। अब देखिए ये लीफ, तो लीफ में भी एफ हटा देंगे और वी ई एस ऐड कर देंगे तो हो जाएगा लीफ्स। तो हम ये बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं। रूल नंबर 5 है, अगर कोई नाउन ओ पर ख़त्म हो रहा है और ओ से पहले कोई बॉबल हो तो एस लगाते हैं। अगर हमारी कोई भी स्पेलिंग है या कोई नाउन है हमारी जो ओ पर फिनिश हो रही है और ओ से पहले बॉबल ही आ रहा है, ओ भी एक बॉबल है और उससे पहले भी कोई बॉबल आ रहा है तो क्या करना है, पीछे बस एस ऐड करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए रेडियो, तो देखिए ओ बॉबल है और उससे पहले आई बॉबल आ गया तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस एस ऐड कर देना है। ऐसे ही है बैम्बो, तो बैम्बो भी में भी ओ है, दूसरा बबल एक और बबल है, ओ दोनों ओ ओ बबल आ गए, उससे पहले एक और बबल आ गया तो बैम्बोज। ऐसे और भी उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर देखिए अगर ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, यहाँ तो हमने सीखा कि अगर ओ से पहले बबल आ जाएगा तो कुछ नहीं करना है, एस लगा देना है। ऐसे ही है अगर ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है तो ई एस लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए है मैंगो, तो मैंगो में देखिए ओ है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है जी, तो अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो ई एस ऐड करना पड़ेगा ई एस। ऐसे ही है टमेटो, तो ओ से पहले टी है तो इसमें भी क्या ऐड करना है ई एस, तो क्या हो जाएगा टमेटोज। अब देखिए कुछ नाउन्स में स्पेलिंग चेंज करके उनका प्लूरल बनता है, जैसे देखिए मैन, तो मैन का हो जाएगा मैन में क्या करना है ई एन ई लगा देना है ए को हटा के, और वुमेन, वुमेन में भी ई लगा देना है एन हटाकर। और देखिए टूथ, तो टूथ का क्या हो जाएगा टीथ, दोनों ओ हटा दिए और हमने डबल ई को ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर है फुट, तो फुट में देखिए डबल ओ की जगह हमने क्या कर दिया है डबल ई कर दिया है, फिट कर दिया। गोज, गोज में गीज ई आ गया, दो ई आ गई इधर। माउस का माइस, लाउस का लाइस, ऑक्स का हो जाएगा विक्सिन, चाइल्ड का हो जाएगा हमारा चिल्ड्रन, और पर्सन का हमारा प्लूरल क्या होता है पीपल। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो वो हमेशा एक ही रहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर है शीप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शीप, डियर का डियर ही रहेगा, स्वाइन का स्वाइन ही रहेगा, पुलिस का पुलिस ही रहेगा। अब देखिए सीरीज, तो सीरीज का भी सीरीज रहेगा,
एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट हो जाएगा रहेगा, पेयर का पेयर ही रहेगा, डोजन का डोजन ही रहेगा, हंड्रेड का हंड्रेड रहेगा, थाउजेंड का थाउजेंड रहेगा, सुपरक्राफ्ट का सुपरक्राफ्ट रहेगा। तो ये हमको बच्चों को लर्न करवाने पड़ेंगे। परंतु अगर छोटे बच्चे हैं फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में, तो हम उनको ये चीज़ नहीं सिखाएंगे, बस हम उनको सी ये वाला एक बस ये वन वाला रूल सिखाएंगे उनको, बस ये का वाला भी नहीं उनको समझाना है, बस ये समझाना है छोटे बच्चों के साथ में। और देखिए सिंगुलर प्लूरल सिर्फ उन्हीं के होते हैं जो काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है उनके सिंगुलर प्लूरल कभी नहीं बनते। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।